और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की 17वीं यहां पर बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार की तरफ से की गई। बैठक में सुलह प्रस्तावों पर विस्तार से बातचीत हुई है, जिनमें मुख्य तौर पर प्राधिकरण की तरफ से 2016 में बनाए गए यहां पर इंद्रलोक फेस वन में और साथ ही बने यहां पर भवनों के विक्रय में आने वाली परेशानियों को हल करने के लिए भवनों के यहां पर फिर से मूल्यांकन किए जाने के लेकर भी यहां पर टिहरी विस्थापित सुमन नगर की अवैध कॉलोनियों को भी यहां पर छूट ना दिए जाने और साथ ही हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के रुड़की में यहां पर नए भवन के लिए भी यहां पर भूमि चयन किए जाने के संबंध में विस्तार से मंथन हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आवास विकास की कॉलोनियों को भी यहां पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को सौंपे जाने के बाद भी प्राधिकरण की तरफ से आवास विकास की कॉलोनियों को यहां पर किस तरह से नियंत्रित किया जाए इस पर भी मंथन हुआ है। ये दोनों विषय क्योंकि विगत बैठकों में प्राधिकरण के आए थे तो हमने शासन को दोनों को भेजा हुआ है और दोनों पर कार्रवाई अभी शासन स्तर से चल रही है, लेकिन अब क्योंकि शासन स्तर पर है वहाँ पर कार्रवाई चल रही है और विचार विमर्श के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। दोनों तरह के आवास हैं, वहाँ MIG के भी आवास हैं और EWS के भी आवास हैं। तो अभी उसमें ये हुआ है कि 3 माह के लिए एक पंजीकरण खोल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे आवास अभी उठे नहीं हैं, तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। ये दोनों विषय क्योंकि विगत बैठकों में प्राधिकरण के आए थे तो हमने शासन को दोनों को भेजा हुआ है और दोनों पर कार्रवाई अभी शासन स्तर से चल रही है, लेकिन अब क्योंकि शासन स्तर पर है वहाँ पर कार्रवाई चल रही है और विचार विमर्श के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। दोनों तरह के आवास हैं, वहाँ MIG के भी आवास हैं और EWS के भी आवास हैं। तो अभी उसमें ये हुआ है कि 3 माह के लिए एक